हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीमेंस माइक्रोमास्टर 430 ड्राइव का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, जिसमें हम देखने वाले हैं इसका कंट्रोल कनेक्शन किस तरह होगा, पावर कनेक्शन किस तरह होगा एवं यदि इस ड्राइव की स्पीड को हम पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। जैसा कि हम जब भी हमारे ड्राइव की स्पीड को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर सेट करना होता है, तो कौन सा पैरामीटर सेट करना है वह भी आज के स्टडी में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज के स्टडी में हमारे पास एक सीमेंस माइक्रोमास्टर 430 ड्राइव है जिसका कनेक्शन हम प्रैक्टिकली फील्ड पर करने वाले हैं और उसकी स्पीड को पोटेंशियोमीटर से किस तरह कंट्रोल की जाती है वह भी देखने वाले है। तो पहले हम उस ड्राइव को देख लेते हैं जिसका कनेक्शन हमें करना है, उसके बाद उसमें कंट्रोल टर्मिनल्स देखें क्योंकि उसमें कई सारे टर्मिनल्स दिए गए होते हैं, तो कौन से टर्मिनल क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे क्या कनेक्शन करना होता है वह भी देखेंगे। तो पहले हम जिस ड्राइव का कनेक्शन करना है उस ड्राइव को देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास माइक्रोमास्टर 430 की ड्राइव है जिसका कनेक्शन हमें आज के स्टूडियो में करना है। पहले हम इसे फिट कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं इसके कौन से टर्मिनल में हमें क्या कनेक्शन करना है। पहले हम इसे पैनल के ऊपर फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ड्राइव अभी फिट हो गई है। अभी हम इसमें टर्मिनल्स देख लेते हैं कौन कौन से टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके कंट्रोल टर्मिनल है जहाँ पे हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। तो ये इसके कंट्रोल टर्मिनल, कौन से टर्मिनल क्या फंक्शन है वह भी हम समझेंगे। ये जस्ट अभी देखने के लिए हम ओवरव्यू के लिए देख रहे हैं, कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ पे आपको UVWU नजर आ रहे हैं, ये तीन वायर यहाँ से निकल के मोटर को जाएंगे। हम यहाँ पे L1 L2 L3 है जो कि सप्लाई टर्मिनल है, हमें यहाँ पे सप्लाई देना होगी जो कि थ्री फेज होगी। तो थ्री फेज सप्लाई हम यहाँ पे देंगे, UVW से आउटपुट ले जाके मोटर को दे देंगे। और ये कंट्रोल टर्मिनल है, यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग नजर आ रही है, किसके क्या फंक्शन है वह हम पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे माइक्रोमास्टर 430 के कुछ कंट्रोल टर्मिनल है जिसमें हमें कनेक्शन करना होगा। वैसे तो उसमें कई टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं बट इतना कनेक्शन हमें करना नहीं है, जस्ट कुछ टर्मिनल्स का हमें यूज होगा। फिर भी हम समझ लेते हैं कौन से टर्मिनल क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे एक नंबर जो टर्मिनल होता है वो 10 वोल्ट होता है जो ड्राइव से निकलता है। दो नंबर टर्मिनल देखा जाए तो 0 वोल्ट होता है आउटपुट ड्राइव से। तीन नंबर देखा जाए तो इसका होता है एनालॉग इनपुट प्लस होता है। चार नंबर देखा जाए तो एनालॉग इनपुट माइनस होता है। पांच नंबर इसका फॉरवर्ड रोटेशन के लिए होता है DLN1 और ये सिक्स नंबर होता है ये उसका रिवर्स रोटेशन के लिए होता है और ये भी 7-8 पे इसका रोटेशन के लिए होते हैं। जो 9 नंबर टर्मिनल देखा जाए तो ये होता है 24 वोल्ट फ्रॉम आउटपुट ड्राइव से। यदि हम जो ड्राइव को रन करवाना चाहते हैं तो हमें इस 24 जो 24 वोल्ट होता है इसे 5 नंबर से शॉर्ट करना होगा। जैसे ही हम इस 9 और 5 को शॉर्ट करते हैं रिले के थ्रू तो हमारी ड्राइव स्टार्ट होती है। रन कमांड के लिए टर्मिनल नजर आते हैं, ये होते हैं। और यहाँ पे 10 वोल्ट देखा जाए तो यहाँ पे एनालॉग इनपुट 2 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एनालॉग इनपुट 1 था। यहाँ पे यदि हम अदर एनालॉग इनपुट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं और ये एनालॉग इनपुट 2 माइनस होता है, ये भी एनालॉग इनपुट होता है। एवं यहाँ पे कुछ रिले नजर आ रहे हैं 18, 19, 20। तो यदि हम ड्राइव के साथ किसी और चीज को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। 21, 22 भी देखा जाए तो ये भी एक रिले है। 23, 24 और 25 भी एक रिले की तरह यूज हो गए। तो वैसे तो कई टर्मिनल्स है बट हमें जस्ट हम पोटेंशियोमीटर को यदि कनेक्ट करना चाहते हैं इस ड्राइव से तो किस तरह कनेक्ट होगा पहले वो समझ लेते हैं, फिर किस तरह से कनेक्शन होगा वह समझेंगे। जैसा कि पोटेंशियोमीटर में तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है 0 वोल्ट का, एक होता है +10 और एक इसका होता है रिफरेंस। तो हमें कनेक्शन पोटेंशियोमीटर का किस तरह करना है वह हम समझ लेते हैं। चलिए हम पोर्ट का कनेक्शन समझ लेते हैं। पोर्ट में जो 0 का है उसे हम देना है, हमें देना है 4 में। आप इसे 0 में भी दे सकते हैं, 4 के साथ 4 में दे या 2 में दे। 4 के साथ देकर हम इसे 2 से शॉर्ट कर देंगे जो इसका 0 है, जो जिसे हम कॉमन भी कह सकते हैं एक तरह से। तो कॉमन को हम 4 में दे या 2 में दे, किसी में भी देके आपस में लूपिंग करके हमें 4 और 2 को शॉर्ट करना है। हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और जो उसका रेफरेंस होगा, रेफरेंस को हम देंगे 1 में। जो इसका रेफरेंस होगा वो हम देंगे 1 में। जो 10 वोल्ट होगा ड्राइव का वो हम लेंगे एनालॉग इनपुट प्लस में, दैट मींस प्लस वाले को हम देंगे 3 में। जो माइनस है 0 है उसे देंगे हम 4 में और 2 के साथ शॉर्ट कर देंगे और 1 में हम दे देंगे रेफरेंस। तो हमारे पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन इस तरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया है। अब हम इस ड्राइव को स्टार्ट करवाने के लिए हमें इसे रन कमांड का कनेक्शन करना होगा। तो रन कमांड के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 और 9 है, 5 और 9 को DOL स्टार्टर बना के हम रिले के थ्रू शॉर्ट करेंगे। वैसे तो हमने DOL स्टार्टर किस तरह बनाते हैं कई बार दिखाया है,
फिर भी एक बार जस्ट ओवरव्यू के लिए समझ लीजिए किस तरह से हम शॉर्ट करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं किस तरह ड्यूएल स्टार्टर बना के इसे हम शॉर्ट करेंगे 5 और 9 को। तो वैसे तो हम इसे फ्रेंड्स ड्यूएल स्टार्टर रिले से किस तरह बनाते हैं कई बार दिखा चुके हैं, फिर भी जस्ट ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं हमें 5 और 9 को इसके थ्रू शॉर्ट करना है। तो कनेक्शन किस तरह होगा, हमारे पास एमसीपी में फेज और न्यूट्रल आए तो हमें फेज के थ्रू कंट्रोलिंग करना है इस रिले से। यदि आप 220 से कर रहे हैं तो फेज न्यूट्रल, 24 वोल्ट से कर रहे हैं तो प्लस माइनस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फेज न्यूट्रल से कर रहे हैं तो फेज को हम ले जाएंगे पहले जो एनसी है, एनसी से होते हुए स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन से होते हुए इसकी कॉइल में, जैसा कि 2 और 7 इसकी कॉइल है तो 2 में हमने फेज दे दिया और 7 में हमने यहाँ पे ले जाके न्यूट्रल दे दिया, तो हमारा जो रिले है वह ऑपरेट हो जाएगा। अभी हमें इसमें होल्डिंग भी देना है तो 8 और 5 देखा जाए तो है एनओ एनसी, 8 और 5 एनसी है और 8 के साथ 6 एनओ है और 1 के साथ 3 जो है 1 2 3 है, 1 के साथ 3 देखा जाए तो एनसी है और 1 के साथ 4 एनओ है। तो हम क्या करेंगे जो 2 की जो फेज की लूपिंग थी उसे दे देंगे हम 8 में, दैट मीन्स कॉमन में दे दिया तो ये रिले जैसे ही ऑपरेट होगा तो एनओ से सप्लाई निकलेगी जो कि होगी 6 से। तो हम यहाँ से होल्डिंग जिस तरह हम देते हैं 6 में दे देंगे तो हमारा जो ड्यूएल स्टार्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हम ये ड्यूएल स्टार्टर कई बार बना चुके हैं तो ड्यूएल स्टार्टर इसी तरह बनेगा, जस्ट पुश बटन लगा के हम स्टार्ट स्टॉप के लिए। अब हमें क्या करना है 5 और 9 को रिले के थ्रू शॉर्ट करना है तो जो दूसरा एनो है हमें दूसरा एनो यूज करना होगा। तो उसका दूसरा एनो कौन सा है, 1 और 4, दैट मीन्स देखा जाए तो ये और ये, तो हमें इन दोनों टर्मिनल को इस रिले के थ्रू शॉर्ट करना है। तो जो 5 नंबर टर्मिनल है उसे हम ले जाकर दे देंगे 1 में, दूसरा जो इसका एनो है वह यूज करेंगे 1 में, दे दिया हमने 5 में और जो 4 नंबर से निकल के यह जाएगा 9 में। तो इस तरह हमने रिले से शॉर्ट करके हमारी ड्राइव का जो कनेक्शन है उसे स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह हम DOL बना के किसी भी ड्राइव को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने रन कमांड के लिए वायर दे दिए और पोर्ट का कनेक्शन हमने पहले ही देख लिया है। हम इसके स्टार्ट करने के लिए हमें एक पैरामीटर सेट करना होगा, तो कौन सा पैरामीटर है वह हम देख लेते हैं, उसके बाद कौन सा पैरामीटर को सेट करना होगा इसे पोटेंशियोमीटर से रन करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर से रन करवाने के लिए हमें एक पैरामीटर सेट करना होता है, वह पैरामीटर देख लेते हैं कौन सा है। तो वह पैरामीटर नंबर है 1000 में हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस, दैट मीन्स रेफरेंस फ्रीक्वेंसी हमें सेट करना होती है। तो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी में हम जाके 2 यदि सेट करते हैं तो हमारे ड्राइव की जो स्पीड है, दैट मीन्स 1000 में जाके यदि हम 2 सेट करते हैं तो हमारे ड्राइव की स्पीड पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल होती है, उसे रेफरेंस पोटेंशियोमीटर से एनालॉग मिलता है। यदि हम इसमें 3 सेट करते हैं तो हमारे ड्राइव की स्पीड डायरेक्टली जो हम ड्राइव में सेट करते हैं वह मिलती है। तो हम यदि पोटेंशियोमीटर से हमारे ड्राइव की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो वहां पे हमें 2 सेट करना होगा, यदि हम डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो 3 सेट करना होगा। और कनेक्शन तो हमने ड्यूएल स्टार्टर बना के पहले ही देख लिया है। अब हम तो इस तरह ही इसका पूरा कनेक्शन होगा, एक बार जस्ट इसके कंट्रोल टर्मिनल फिर से देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली किस तरह कनेक्शन किया है वह देख लेते। तो ये हमारे कनेक्शन फिर से हम देख लेते हैं, जो ड्राइव का पोर्ट का रेफरेंस होगा वह हम देंगे 1 में, जो प्लस होगा उसे हम देंगे 3 में, जो माइनस होगा उसे देंगे 4 में और 4 के साथ 2 में लूपिंग कर देंगे। अब हम 5 और 9 को किस तरह रिले से हमने शॉर्ट किया उसी तरह शॉर्ट करके हमारे ड्राइव का कनेक्शन हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं ड्राइव जैसे ही ऑन हो या ऑफ हो तो उसके साथ कोई इंडिकेटर या कोई आप अदर ड्राइव को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये टर्मिनल को यूज कर लेते कर सकते हैं। चलिए इस तरह हमने कनेक्शन हो चुका है, अब हम फील्ड पर देख लेते हैं हमारी जो ड्राइव का कनेक्शन किस तरह किया है। चलिए हम फील्ड पर देख लेते हैं किस तरह हमने उसका कनेक्शन किया है। तो चलिए हमारा कनेक्शन हो गया, पहले हम समझ लेते हैं ये हमारा पावर वायरिंग है, नीचे हमने L1 L2 L3 दिया और ये UVW निकल के हमारी मोटर को गए और नीचे हमने अर्थिंग कनेक्ट किया है। जब भी आपकी ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं अर्थिंग को पहले कनेक्ट करें। तो ये तो जस्ट इसकी पावर वायरिंग है, जस्ट सिंपल कुछ नहीं करना, L1 L2 L3 निकल के हमारे UVW मोटर में चले गए है और ये इसकी कंट्रोल कनेक्शन है। कंट्रोल कनेक्शन हमने जिस तरह दिखाया था उसी तरह दिखाया है, 1 2 3 4 को हमने पोटेंशियोमीटर के लिए यूज किया है, M5 और 9 जो रन कमांड के वायर है उसे हमने रिले के थ्रू शॉर्ट किया है। चूंकि इसका पोटेंशियोमीटर और रिले काफी दूर लगा है पैनल में इसलिए नजर नहीं आ रहे है, तो जस्ट कनेक्शन हम देख लेते हैं। 1 नंबर इसका रेफरेंस है जो हमने कनेक्ट किया है, 2 नंबर इसका कॉमन है, आप ये 2 में दे या 4 में दे, बट हमने 2 से लेके 4 में लूपिंग कर दिया है। एवं 3 नंबर जो पोटेंशियोमीटर का जो होता है प्लस, वो प्लस को हमने 3 में दिया है। तो जस्ट सिंपल है, 3 को हमने दिया और 4 में हमने ले जाके 2 से लूपिंग दे दिया है, जिस तरह हमने कनेक्शन ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह ड्राइंग के हिसाब से ही हुआ है। और 5 और 9 जो है उसे हमने
रिले के थ्रू शॉर्ट किया है, तो एक दो तीन चार पोर्ट के लिए है और 5 और 9 रिले के लिए है। तो जिस तरह हमने ड्रॉइंग में दिखाया था उसी तरह किया है, जस्ट कनेक्शन कुछ भी चेंज नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप सीमेंस माइक्रोमास्टर 430 ड्राइव को कहीं पे भी कनेक्शन करके उसके ड्राइव को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपको पोटेंशियोमीटर के लिए 1000 में जाके टूल सेट करना होगा और कनेक्शन तो हमने जिस तरह दिखाया था उसी तरह बनाया है। और फ्रेंड्स, ड्यूल स्टार्टर में रिले के पॉइंट्स हर रिले में अलग अलग होते, तो आप रिले के पॉइंट्स में जरूर चेक कर ले कि कौन सा एनओ है कौन सा एनसी है, आपको रिले के लिए एनओ ही यूज करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।